दोस्तों, टाइगर 3 का ट्रेलर देखने के बाद मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं कि सलमान भाई की टाइगर 3 बहुत बड़ी सुपरहिट मूवी साबित होगी, क्योंकि टाइगर 3 का ट्रेलर साफ साफ ये बता रहा है कि टाइगर मरा नहीं जिंदा है और बॉक्स ऑफिस को उड़ाने आ रहा है। इस बार जो टभाई टाइगर मचाएगा वो कोई नहीं मचा सकेगा, क्योंकि इस बार सलमान भाई ने काफी मेहनत की है और जो डायरेक्टर है वो भी काफी अच्छे है। लग रहा है कि एक्शन के मामले में सलमान सबको पीछे छोड़ने वाले हैं। टाइगर मूवी में सलमान खान को धोखेबाज एजेंट दिखाया गया है, जो कि अपनी फैमिली को पाकिस्तान के टेररिस्ट से बचाने की कोशिश करेगा। और वहीं इस मूवी में जो एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं वो भी काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। मनीष शर्मा ने जो बवाल चीज बनाई है उसने पूरी इंडिया में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, टाइगर टेलर ने हर किसी को दीवाना बना दिया है और इस मूवी का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वही इस मूवी को राज्यसभा के पॉलिटिकल पार्टीज भी सपोर्ट कर रही है, यानी कि अब इंडिया में जवान के बाद टाइगर ही ऐसी मूवी है जिसको काफी ज्यादा लोग पसंद करने वाले हैं। आपको टाइगर का टेलर देखकर लग रहा होगा कि इसमें काफी ज्यादा तबाही होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इमरान हाशमी को एक पाकिस्तानी टेररिस्ट दिखाया गया है, जो कि अपनी पूरी ताकत से टाइगर और इंडिया पर हमला करने की तैयारी करता है, और उसको पठान और टाइगर किस तरीके से नाकाम बनाते हैं वो एक्शन सीन देखने जैसा होगा। दोस्तों, लग रहा है कि इस बार दिवाली पर बहुत बड़ी तबाही आ रही है टाइगर के रूप में, जो कि बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड अस्त कर देगी। क्या लगता है आपको टाइगर 3 कितनी कलेक्शन कर सकती है? कमेंट में लाजमी लिखना। अगर आप सलमान भाई के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज को लाजमी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको टाइगर 3 की सारी अपडेट मिलती रहे और आपको पता लगता रहे कि टाइगर कहां कहां शिकार कर रहा है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। धन्यवाद।